तो अब सब कुछ बाहर और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि अपने पाप में जनता को भागीदार बनाना चाहती है कांग्रेस, बाबूलाल ने कसा तंज। चलिए देख लेते हैं, इस तरफ है बाबूलाल मरांडी और इधर है यहाँ पर, जैसा कि आप इनको देख सकते हो, यह है राहुल गांधी। चलिए देख लेते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर कांग्रेस पर, पार्टी पर जो है वो तंज कसा है। राहुल गांधी से जुड़े मोदी सर ने यहाँ पर मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर झारखंड कांग्रेस भी लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। यहाँ पर कांग्रेस और राहुल गांधी को सजा और हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के लिए सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार, अडानी को लेकर यहाँ पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, रोजगार, किसान और महिला सुरक्षा पर सवाल पूछने के एवज में केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को निशाना बनाया है। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने इन्हीं आरोपों पर पलटवार किया है। आगे बोला जा रहा है कि देशवासियों को पाप का भागीदार बना रही है कांग्रेस। बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी की सजा के खिलाफ यहाँ पर देशवासियों को आवाज़ उठानी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस अपने पाप में देश की जनता को क्यों भागीदार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि पिछड़े दलितों को अपमानित आप करें, उनके लिए यहाँ पर निकृष्टम शब्दों का उपयोग आप करें और चोरी पकड़ी जाए तो बहाने बनाएं। उन्होंने कहा है कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों से उब चुकी है, अब पूरा देश आज यहां पर कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए एक हो गया है। आगे यहां पर बोला जा रहा है कि राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली है राहत। गौरतलब है कि राहुल गांधी को यहाँ पर फौरी राहत देने की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, उसकी याचिका को। दरअसल राहुल गांधी ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि सभी मोदी सरने वाले चोर क्यों होते हैं। इस मामले में गुजरात में बीजेपी विधायक ने यहाँ पर मामला जो है वो दर्ज कराया था। सूरत कोर्ट ने मामले में यहाँ पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। यहाँ पर सजा सुनाई जाने के बाद उनकी सदस्यता जो है वो भी समाप्त कर दी गई थी। वहीं रांची में प्रदीप्त मोदी के नाम यहाँ पर बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ सेंसन कोर्ट में यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी। यहाँ पर राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती, जहाँ से उनके खिलाफ यहाँ पर पीड़क कार्रवाई करने पर यहाँ पर रोक लगाई गई थी। अब इस तरीके से यहाँ पर यह खबर निकल कर आ रही है। बाकी आपके क्या विचार है इस बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।